इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपकी जो है एक जिसे कह सकते हैं आजाद ख्याली, फिर एक जो है लिबरल जिसे कहते हैं कि एक विजडम रखना अपने दिमाग में, एक बड़ा ख्याल रखना। ये असल में इसमें महली जी ये चीज होती है कि हम मुनाफिक, एक मुनाफिक होता है इंसान। देखिए हमारे दीन में कि मुनाफकत करना किसी चीज में, अभी मैं मॉल में देख रहा था, मैं पाकिस्तान में हूं इस टाइम, ठीक है ना, लड़कियों ने ट्राउजर पहने, शर्ट्स यहां तक पहनी हुई है, देखें ये यहां तक, ठीक है, यहां तक शर्ट्स पहनी हुई है टाइट, और पीछे से उनके हिप्स वगैरह सब नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है लेकिन नकाब किया हुआ है नहीं आप मेरी बात समझ रही है ना, यानी अब नकाब, यानी उन्होंने ठीक है अगर नकाब करना है पूरा बुरका पहने जो इस्लामी तरीका, आप नजर नहीं आना चाहिए, आपका आपका नाखून तक नजर नहीं आना चाहिए जो हमारे दीन में है। मेरे ख्याल से आप समझती होंगी, आप आई हैं उस रास्ते से तो आप स्टडी की होगी आपने। अब आप एक चीज, यानी आप क्या दिखाना चाह रहे हो, आप माशरा, यानी मुझे नहीं समझ आ रही, मॉडरेट भी होना चाह रहा है और बीच में फंसा हुआ भी है, और जो है बस समझ से बाहर है मुझे जो क्या इस तरह से, यानी ये जो होती है देखिए ना, ये टाइट, जी जी सब कुछ टाइट, सब कुछ टाइट, और ऊपर से हिजाब कर लिया होता है इन्होंने, ये देखिए ना, ये नहीं नहीं ये कुछ यकीन, ये यकीन करें ये कुछ भी नहीं है जो मैं देख रहा हूँ ना यहाँ पर। आई नो आप क्या बोलना चाह रहे हो, जैसे ये हो गई है, यू नो मैं, हाँ जी बिल्कुल, एक ना एक कल्चर बदल गया पाकिस्तान का, बदला है बहुत ज्यादा कल्चर, लेकिन ना उसमें अब देखिए एक मिसाल है, किसी को विस्की चाहिए मिसाल के तौर पे, ठीक है, अब वो किसी बेचारे थर्ड पार्टी को ढूंढेगा, किसी क्रिश्चियन को जिसके पास लाइसेंस है, ऐसे ही है ना, वो उसे पीसी होटल से या अवारी होटल से या सरीना होटल से वो उसको विस्की ला के देगा। अच्छा हुकूमत अंदर बेच रही है, अंदर स्टॉल लगा हुआ है, बड़ा अंदर स्टॉल लगे हुए, आपको तो पता होगा, आप रह के गई, सब पता है, देखा है आपने वो माहौल, देखा होगा सारा, ऐसे ही है। अब उसको मुश्किल आप... नहीं है अल्कोहल मिलना पाकिस्तान में, इतनी मुश्किल नहीं है। मैं जिस क्या कहते हैं, पहली दफा जब मैं गई हूँ ना, तो मैं अपने साथ एक दो बोतलें लेके गई थी, बिकॉज़ माय मॉम वाज ऑलरेडी देयर, उन्होंने कहा था एक दो वाइन की बोतलें ले आओ। तो जिस गेस्ट हाउस में मैं रही हूँ ना, तो एक दिन दो दिन उन्होंने इंतजार किया, जब उनको थोड़ा पता चला कि मैं कनाडा से आई हूँ, क्या है क्या नहीं है, तीसरे दिन आई है, मैडम जी आप बियर शेयर पियेंगी तो वी कैन अरेंज फॉर बियर। मैंने कहा बियर नहीं पीती, मैं वाइन पीती हूँ। ओ वाइन भी आ जाएगी अगर आपको वाइन चाहिए तो। और फिर मैं एक और साहब को जानती थी जो मीडिया में थे, मैंने 4 महीने में इतनी दारू पी है जितनी मैंने मेरे ख्याल से 15 साल में ना कनाडा में पी थी, क्योंकि पाकिस्तान में करने को कुछ था ही नहीं। गेट टुगेदर होता था किसी के घर में, दारू और खाना अगर, और अब ऐसा हो गया था कि पाकिस्तान में सी साइड पे है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे खुल गए हैं जैसे कैफे अटलांटो है और भी काफी सारी जगह है जहाँ पर आप जाओ तो अपनी बोतलें आप साथ में लेके जा सकते हो, वहां लेके जाए और वो आपकी बोतल ला के आपको खुद ही ओपन करेंगे, एंड देन यू कैन ड्रिंक। तीसरी चीज ये कि एक साहब है जिनको मैं जानती हूँ, उनके घर में केसेस आते थे वाडका के, केसेस वाडका के, मरीज सिर्फ एक वाडका नहीं आती थी। और फिर मैंने वहां पर एक जो फ्रेंड्स थे उनके जो भाई है, वो हिंदू फैमिली थी, उनके भाई जो थे वो नारकोटिक्स और एल्कोहल इसको मेरे ख्याल से जब्त करने गए, वो डिपार्टमेंट में काम करते थे या हेड थे उसके, तो भाई उनके घर की बार देखनी थी आपने, और क्या क्या अल्कोहल नहीं थी वहां पर, ओ अल्कोहल ये। फिर मैं
क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रह रही थी ना जो क्रीम क्राउड था, तो मैं गई मलेशिया। अब मलेशिया गई हूँ तो उन्होंने, अरे मलेशिया जा रही है, यहाँ से हमारे लिए ये लेकर आना, ये लेकर आना, ये लेकर आना, ये लेकर आना। और उनमें से एक कस्टम का बंदा था जो इन लोगों का दोस्त था, उसने कहा तुम लेकर आओ, कोई बात नहीं, हम तुमको वहां से निकलवा लेंगे। जब मैं वैसे पाकिस्तान आई थी तो मुझे रोका नहीं था, क्योंकि आई एम नॉन मुस्लिम, राइट, तो मुझे वैसे ही वो उन्होंने नहीं करना था। तो कस्टम वाला कहने लगा कि नहीं, अगर वो चाहते तो तुम्हें रोक सकते हैं, वो ग्रीन लाइट रेड लाइट होती है, अगर ग्रीन लाइट थी तो तुम निकल गई, वरना पकड़ी जाती। तो मैं जब गई हूँ, मुझे एरोप्लेन से मैं उतरी हूँ ना मलेशिया से वापस आते हुए, वहीं पे वो कस्टम का बंदा मुझे मिला है, उसने मेरा वो जैक डेनियल्स का बैग था फुल ऑफ एल्कोहल वो पकड़ा है, वो लेके आया, पासपोर्ट वगैरह सारा काम उसने करवाया, मुझे गाड़ी तक पहुंचा कर आया वो। जी भैया, पाकिस्तान में पैसा है, पावर है, तो पाकिस्तान से बेहतर जगह नहीं है। बहुत जरूर। अच्छा महली जी, मैं फॉरेन में भी ट्रेवल किया है मैंने, और मिडल ईस्ट में भी रहा हूँ काफी अरसा, जो है अरबों को बहुत करीब से जानता हूँ मैं, अरबों के साथ रहा हूँ मैंने, यानी कि यानी समझ लें कि अगर आप मुझे किसी अरबी के साथ खड़ा कर दें और हम टॉक ऐसे करेंगे, अरबी जबान पे बहुत अबूरियत है मेरी, बहुत ज़्यादा अबूर है मुझे अरबी पर। अच्छा मैं फॉरेन में भी रहा हूँ, फिर इंग्लैंड गया हूँ, ठीक है, और जो है इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ कुछ अरसा, ठीक है। हाँ मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ, वो बात एक बाद में हम करेंगे। अब यहाँ पे अगर ये बार बना दें जगह जगह, तो लोगों को कम से कम प्रॉब्लम तो नहीं ना होगी, ठीक है ना। अब देखें वो वहां से बंदा लेके निकलता है, पुलिस वाले पीछे लगा देते हैं उसके, सही है ना, चाहे वो गाड़ी में है, चाहे वो बाइक पे है, चाहे किसी भी तरह है, पुलिस जो है ना वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में रोकती है कि आप लेके जा रहे हो, ये आप मुस्लिम हो या ऐसे है जो भी है। तो ये ना थोड़ा सा एक मुनाफ़त का एक सिस्टम है, मुझे ये समझ नहीं आता ये क्या जो है ना, हम किस तरफ जा रहे हैं। खान साहब ने इसमें किया है बहुत सारा काम, कर रहे हैं वो, इमरान खान बहुत काम कर रहा है इस चीज़ पर कि फ्रीडम भी और मजहब भी, यानी मजहब भी हो, वो मजहब पे ट्रैक नहीं कर रहे, ठीक है ना, फ्रीडम भी हो साथ, ठीक है ना। तो इस पर काफ़ी जो है ना, अब एक मैं देख रहा हूँ चेंज आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी शायद वो वाला चेंज आने जो हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा आप भी चाहती हैं, मुझे पता है, मुझे आपका पता है, आप वहां रहना नहीं चाहती हैं, आप जहां रह रही हैं। इंसान, मैं आपके प्रोग्राम देखता हूं अक्सर ना, आपसे बड़ा यानी मैं इंप्रेस हूं बड़ा इस मामले में, आपके अक्सर प्रोग्राम में देखता हूं, बात करने का टाइम नहीं होता मेरे पास इतना, तो कुछ बिजी रहता हूं मैं। तो जो जैसा पाकिस्तान आप चाह रही हैं, मुझे पता है आप वहां की नहीं है, मेरी सिस्टर इन लॉ है कैनेडा में, जो है टोरंटो में, वो भी जब आते हैं ना वो कहते हैं यार हमारा दिल नहीं करता वापस जाने को ना, मजा आता है यहाँ पर ना हर चीज का, एक एक देखें अपने जैसे लोगों में रहता है इंसान। कभी आप, मैं इसकी मिसाल ऐसे दे देता हूँ, जैसे ऊंट, आप देखें एक कैमल जो है, आप ऊंट को बकरियों के साथ नहीं बांध सकते, वो परेशान हो जाएगा, क्या ख्याल है, ऊंट जो है ऊंटों के साथ रहेगा। देखो मैं जब पाकिस्तान जाती थी तो मैं 3 दफा गई हूँ पाकिस्तान, और एवरी टाइम आई हैड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, एवरी टाइम जो है ना मैं डिफरेंट लोगों के साथ रही। मैं पहले जरा थोड़े कंजर्वेटिव लोगों के साथ रही, जरा गरीब लोग थे थोड़े से, फिर मैं जरा थोड़े से बी क्लास जिसे आप कह सकते हो, एक्टर्स होंगे मीडिया के, उन लोगों के साथ रही, फिर मैं बैठ गई ना क्रीम क्राउड में बैठी हूँ, जो अमीर तरीन लोग थे जिनके कॉन्टेक्ट थे, वो ट्रिप मेरा सबसे बेहतर रहा था, क्योंकि मुझे उस वक्त ऐसा लग नहीं रहा था, यानी बाहर निकलते थे यस कवर करके निकलती थी मैं अपने आप को, बाकी जिस किसी के भी घर में जा रहे होते थे वहां वही माहौल था ऐसे कि मेरा कनाडा में होगा, सिगरेट पी लो, अपना डांसिंग चल रही है, अल्कोहल, एंड आई एम नॉट सेइंग देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट, लोगों की पार्टीज अभी भी चल रही है वहां पर, जिससे आप बिल्कुल बिल्कुल मैं अभी की फ्रीडम मगर नहीं सकते जो फ्रीडम मैं वापस आके फील करती थी ना यहाँ पर, कि मैं अपनी गाड़ी में खुद बैठ के मैं ड्राइव करती हूँ किसी भी टाइम पे, और अपनी मैं सिगरेट पी रही हूँ या जो भी कर रही हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मैं टैंक टॉप पहनू, मैं जो भी, वो फ्रीडम वानी है, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर लिविंग इन कनाडा फॉर दैट रीजन। हाँ ये होता था कि मैं विंटर टाइम में वहां चली जाती थी, क्योंकि मुझसे यहाँ की सर्दियां नहीं बर्दाश्त होती, वो चीज मिस करती हूँ। पाकिस्तान का अपना मजा है, कनाडा हैज इट्स ओन बेनिफिट्स। हाँ जी, मैं अभी एक पार्टीज में गया, अभी जो है मेरे एक दोस्त है, वो उनका मसाज सेंटर है यहाँ पे लाहौर में, तो एक जैसे कह सकते हैं आपके फिजियोथेरापी और ये जो है सब करते हैं, वो डॉक्टर हैं यानी, तो बहुत बड़ा उन्होंने क्लिनिक बनाया हुआ है लाहौर में, आईडीसी के नाम से,
समझे ना, तो वो एक पार्टी में मुझे ले गए, आप यकीन करें, डिफेंस में, ये लाहौर डिफेंस की बात बता रहा हूं मैं आपको, डीएचए की। वो पार्टी, वहां पे विस्की भी थी, ठीक है, यकीन करें कि पार्टी चली है, थोड़ी देर बाद लड़के लड़की हैं, वो पूरा माहौल जो था ना, वो पूरा वही था जो हम कहीं सोच लें कि आप जो है कपड़े उतर गए, सारा कुछ वो अंदर लेके चले गए, ठीक है ना, एक लेकिन अंदर था वो सारा कुछ, एक सिस्टम अंदर बनाया हुआ है, बाहर नहीं है, अंडरग्राउंड होता है सब कुछ। हाँ, अंडरग्राउंड है, किसी का बस वो नाम नहीं लेना, किसी को बताना नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये सारा कुछ, जैसे इंडिया बहुत आगे जा रहा है हम लोगों से इस मामले में, इंडिया ने बहुत तरक्की की है इस चीज में, मैं इंडिया भी गया हूँ, मैंने वहां देखा है कि बीचेस पे और ये सब जो है ना, उन्होंने एक फ्रीडम को जो एडवांस कर दिया है उन्होंने अपने माहौल को। मगर नहीं, मैं एक बात मगर कहूंगी आपसे कि ये फ्रीडम जो है ना, ये सर्टन तबके को है ये फ्रीडम। अब आप किसी गांव देहात में चले जाओगे तो वहां नहीं मिलेगा आपको ये फ्रीडम, स्पेशली औरतों का। नहीं, नहीं, वहां मर्द कर रहे होते हैं। महलीज, आप यकीन करें, गांव की लड़कियां, उफ, आजकल आप अब आके देखें, आप आके देखें बस, ओहो, उन्होंने जड़ी आफत चुकी हुई है ना। अब आप, मैं चाह रहा हूं आप ना एक बार आगे देखें, अब वो जो आप पाकिस्तान छोड़ के गई थी ना, वो नहीं है, वो बहुत चेंज आ गया यहाँ पर, बहुत चेंज आ गया यहाँ पर, समझे ना, गांव भी बड़े आया है, मगर I'm just saying कि it still needs to work, यानी आया है, मगर वही बात है ना कि हर चीज अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड छुप छुप के हो रहे हैं, और सर्टन तबके के लोग सर्टन चीजें कर रहे हैं, यू नो, उस चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं बहुत सारी सेलिब्रिटीज को फॉलो करती हूँ, उनकी रोजाना पार्टीज हो रही होती, कभी हॉक्सवे पे, कभी इस बीच पे, कभी उस बीच पे, लड़कियां पार्टीज में जा रही हैं, छोटे कपड़े भी पहन रही हैं, शराबी भी चल रही है, एवरीथिंग इज फाइन, रेगुलर लाइफ, व्हाट हैपेंस हियर, इसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लोगों की एंजॉयमेंट होती है, लोग पार्टीज रखते हैं एंड दे ड्रिंक अ लिटिल बिट ऑफ अल्कोहल, थोड़ा पीने से कुछ नहीं है, अगर आप पी कर किसी को मारो या गाड़ी चलाओ तो वो नुकसानदेह हो सकता है, दैट्स व्हाई अल्कोहल इज हराम, या मना किया गया। हराम बहुत सारी चीजें, उनको नहीं हम करते बात उस मामले में, इसको पकड़ लेते हैं हम कि अल्कोहल हराम है, और भी बहुत सारी, हमारे नबी ने बहुत सारी चीजें हराम कही हैं हमें, ठीक है ना, उस तरफ नहीं जाते हम, ठीक है ना, किसी का गला काटना भी हराम है, किसी का माल खाना भी हराम है, ठीक है ना, किसी के साथ बदयानी करना भी हराम है, करप्शन करना हराम है, करप्शन जो हो रही है, हराम है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, अब ये इलेक्शन जो ये खान साहब को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, उसने चेंज किया है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा चेंज लेके आया है वो, इसका आने वाले टाइम में पता चलेगा लोगों को, जो वो कर रहा है ना। आई थिंक हम लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था इमरान खान से, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था कि वो एक ब्रॉड माइंडेड बनता है, बाहर का बनता है, मगर वो अंदर से वही जिहादी निकले, स्पेशली उनकी जो दो तीन चीजें, दो तीन क्या, उनके वैसे कॉमेंट्स है जिसमें वो एक विक्टिम ब्लेम कर रहे थे, यू नो, औरतों को कवर करना चाहिए है, उसामा बिन लादेन शहीद है, ऐसी चीजें सुनकर ना इंसान को फिर उसकी मेंटालिटी का पता चलता है कि वेयर इज ही कमिंग। तो और फिर आते साथ ये कॉन्सेप्ट देना कि नहीं, मैं रियासत मदीना लेकर आया हूँ, भैया आप अपनी पाकिस्तान की रियासत बनाए ना, मदीने की रियासत अच्छा, उस वक्त की थी जो थी। अच्छा, बताता हूँ आपको, जो रियासत मदीना वाली बात है ना, उसमें बहुत ज्यादा फ्रीडम था, उसमें यहूदियों को भी फ्रीडम था, क्रिश्चियंस को भी था, और बुत परस्तों को, उनको भी फ्रीडम था, हम ना पूरी बात नहीं करते, ठीक है ना, हमारे नबी ने ऐसा नहीं कहा कि मार दो आप, कत्ल कर दो किसी को, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। I don't know इसका, देखिए हिस्ट्री अगर आप जाएं तो उसमें आपको ये भी दिखता है कि भाई जब पहले ये लोग वहां गए थे तो मक्के में जो सारे बुत वगैरह होते थे वो सारे तोड़ दिए थे, और यहूदियों को मार मार के निकाला भी गया था वहां पर। वो कौन थी, एक बनू कुरैजा थी जिनके औरतें बच्चे सब मार दिए थे इसी वजह से कि उनको निकालना था वहां पे, तो ये तो कहना कि उनको राइट से, आई डोंट रियली बिलीव ऑन दैट, मगर ये एक अनदर टॉपिक आ जाता है, हम टॉपिक से इधर उधर जा रहे हैं, अब नेक्स्ट टाइम आना तो हम इस पे जरूर बात करेंगे, ठीक है, बात जरूर करनी मैंने आपसे, मैं बात करना चाहता हूँ इंशाल्लाह, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, अपना ख्याल रखें, यू टू, बाय बाय। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।